ओके, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर हो तो एक बार यस टाइप करें सभी फ्रेंड्स। अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखाएं। चलिए सब कुछ क्लियर है भाई। चलिए चलिए तो भाई क्लियर बिल्कुल। चलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आप सभी के सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। चलिए मुझे आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? चलिए सब कुछ क्लियर है ना। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बिल्कुल, तो YouTube चैनल तो आप सभी ज्वाइन ही किया है आप सभी ने। बेशक आप जा करके ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस नाम से ऐप भी है। ऐप में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जिसमें आपको हिंदी पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा सर के द्वारा। इसमें बहुत सारा आपको बेनिफिशियल है, टाइम टेबल भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर, मतलब क्या कैसे आप क्लास के टाइमिंग है, लाइव चैट, बहुत सारा इसमें ऑप्शन आपके लिए है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है चैनल पे, जो नए हैं तो वो सारी जानकारी ले लेंगे। ठीक है चलिए चलिए, ऑलरेडी देर हो चुके हैं तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। चलिए हम रेड टू हटा लेते हैं भाई, सारे साथियों को कहना रहता है कि दिखाई नहीं देता। चलिए तो बताइए वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? पर्यावरण होता है, स्वास्थ्य होता है, आहार होता है, या फिर ये सभी होता है? आंसर कीजिए भाई सभी फ्रेंड्स। ओके चलिए, मुकेश, प्रियंका, हिमानी, शैम शैम, लवली, दीपक। चलिए सैमसंग भाई आपका नाम क्या है? नाम तो नहीं जान पाई अभी तक है ना, ये तो सैमसंग कंपनी का नाम होगा, क्या आपका नाम ही है या कंपनी के नाम से आप चल रहे हैं? चलिए जो भी हो, खैर देखिए वृद्धि को प्रभावित जो करते हैं है ना, जो आपकी ग्रोथ को, क्या कहते हैं इसको, ग्रोथ, तो जो ग्रोथ को प्रभावित करते हैं वो हमारी हेरिडिटी भी करती है। अब हेरिडिटी जो कि, जो कि ग्रोथ की बात ही हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरी बॉडी लैंग्वेज की बात ही कर रही है, तो ये स्वास्थ्य बेशक होगा। अब चूंकि अगर हम आहार, हमारा पोषण तत्व, तो सभी सब कुछ सही रहेगा तभी तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हुआ सभी को? हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, कंपनी का नाम मैम। चलिए बिल्कुल देखिए, तभी तो मैंने सोचा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है विकास लंबवत ना होकर के बर्तुलाकार होता है, क्या ऐसा होता है? विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। देखिए मशीनी नहीं है ये आप सभी को मालूम है, इतना तो सभी जानते हैं, ये कंटिन्यूसली एक आपकी प्रोसेस है, क्रमबद्ध होती है। बर्तुलाकार का मतलब होता है जो आपके आकार होता है या आपका बर्तुलाकार, इसी को कभी कभी चक्राकार भी कह देते हैं है ना, क्वेश्चन कभी कभी चक्राकार भी बोल शब्दों में डाल दिया जाता है। ठीक है भाई क्लियर हुआ सभी को? हाँ चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, तो विकास जो है मशीनी प्रक्रिया है। हाँ यहाँ पर क्वेश्चन कहा करता है सिद्धांत नहीं है, तो नहीं पर ज्यादा आप लोग ध्यान से देखा करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स। चलिए
तो देखिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से पियाजे के द्वारा दी गई अनुकूलन प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? एडॉप्टेशन प्रक्रिया, से संबंध नहीं रखता है, संवेदना नहीं रखता है, व्यवस्थापन नहीं रखता, आत्मीकरण या फिर संतुलित स्थापित करना। बताइए संतुलन स्थापित करना क्या नहीं होगा, बताएं सभी फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा पियाजे के द्वारा दी गई अनुकूलन जो प्रक्रिया है से उससे रिलेट नहीं रखता है। चलिए भाई क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना, क्लास को शेयर कर दीजिए, कम से कम अपना 50 से 60 ले जाया करिए। नहीं क्लास, अगर आप लोग का ऐसे ही रिस्पांस रहा तो फिर उतना मोटिवेशन मुझे भी नहीं मिलता, है ना। हाँ बिल्कुल, तो फिर आप आगे के प्रोसेस आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। देखिए जो अनुकूलन है, एडॉप्टेशन है ना, वातावरण में एडजस्टमेंट है, कौन सा रिलेट नहीं करता है बताइए। तो देखिए संवेदनाएं, अलग संवेदनाएं तो आपका एक दुख है ना, एक आपकी भावनाएं हैं, जिनका आंसर भी क्या रहा, 3 का D आ रहा है, गलत है। व्यवस्थापन वही है, समायोजन एडजस्टमेंट है, तो ये तो आपके अनुकूलन के प्रकार में ही आता है, दो आता है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। आत्मीकरण भी यहां पर आता है, आत्मीकरण का मतलब है अपने आप में आत्मसात कर लेना, आत्मसात्वीकरण भी आपको कहीं किसी किसी किताबों में मिलेगा, है ना, आत्मसात्वीकरण, ठीक है। हाँ तो ये तो आपका बिल्कुल सही होगा। संतुलन स्थापित करना, ये कहने का मतलब है कि जो आत्म कहने का मतलब है कि जो आपका एडॉप्टेशन को सब कुछ क्लियर कर लेता है, बैलेंस बना लेता है, उसको हम क्या कहते हैं कि जो वो बैलेंस स्थापित कर लेता है। रविवार को मैराथन हुई थी क्या मैम? नहीं मैराथन नहीं हुई थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, ऑलरेडी अभी तबीयत खराब ही चल रही है, बट फिर भी हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा उस दिन तो आप करना ही पड़ेगा, बट अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, ज्यादा मतलब कुछ ठीक हूँ पहले से, इसलिए क्लास आपकी चल रही है। संवेदनाएं नहीं होगा, ये आपकी ये एक इमोशन है, संवेदनाएं भावनाएं है, एक है ना। हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल। मैम कैसी है आपकी तबीयत? अब तो थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए क्लास ले पा रही हूँ आप सभी की, है ना। चलिए बिल्कुल, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या कहेगा, परेशान तो नहीं कहना चाहिए, तो बताइए इनमें से एक विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? निरंतर प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, पूर्व कथनीय प्रक्रिया या फिर प्रतिबल प्रक्रिया, कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ देखते हैं दीपक, कल करते हैं या फिर संडे को कर लेते हैं, क्योंकि संडे को और भी क्लासेस नहीं रहती हैं तो मैं फ्री रहती हूँ। आपको हमको आपकी क्लास नहीं मिली, दोस्त ने कॉल करके लिंक शेयर किया है। ओके ममता, चलिए भाई कम से कम मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ आप सभी से, 30+ आप सभी हैं, आपको कम से कम आज 80 जाना होगा, तब तो आपको क्लास कंटिन्यू रखेगी, है ना। ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि क्लास देनी है नहीं देनी है, अगर मुझे उत्तर रिस्पॉन्स क्लास से नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप लोग को क्लास पसंद नहीं आती। अब जब क्लास पसंद नहीं आती, मेरे मेहनत करने से कोई मतलब है क्या? फिर तो हम हिंदी बस की क्लास देंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास चाहिए डेली तो आपको क्लास को शेयर भी करना होगा, ठीक है। चलिए क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी पूर्व भी होता है, गतिशील भी होता है, निरंतर भी होता है, डी ऑप्शन होगा। हाँ चौथे का विकास एक सिद्धांत नहीं, प्रतिबल आप यहाँ पर, वैसे ऑप्शन भी मुझे कुछ सही लग नहीं रहा है। निरंतर प्रक्रिया तो कंटिन्यू चलती है, गतिशील भी होती है, ये भी आपको। पूर्व कथनीय प्रक्रिया का मतलब है कि आपका जो विकास होता है वो पूर्व से रिलेटिव ही होता है। अगर आपके पूर्व में बॉडी लैंग्वेज में कोई ना कोई अगर बीमारी है या फिर कह लीजिए कि कोई वीकनेस है तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान ही करेगी, ठीक है। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं, आंसर कीजिए। संवेगात्मक समस्याएं हैं, समायोजन की समस्याएं हैं, शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं हैं या फिर उपर्युक्त सभी हैं? मैम अगर आप कम से कम 30 क्वेश्चन रखोगे तो क्लास में ज्यादा बच्चे आएंगे, क्योंकि पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, कल 30 क्वेश्चन लाके देखो। चलिए भाई कल लाके देते हैं, देखते हैं, ठीक है दीपक, कल हम 30 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। हाँ कल हम 30 क्वेश्चन ला करके देखते हैं और देखते हैं आपकी क्लास में संख्या क्या है, ठीक है।
चलिए इतना रिस्क हम कल ले रहे हैं, ठीक है दीपक, लेकिन आपको बिल्कुल 100 पार जाना होगा कल, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये आप लोग ही नहीं ही कहा है, इसलिए हम कल यहाँ पर 30 क्वेश्चन रखेंगे, और आपके अगर 100+ नहीं रहते हैं तो फिर आपके 20 में फिर से आ जाएंगे, ठीक है? चलिए देखिए, संवेगात्मक समस्याएं हैं, समायोजन की समस्याएं हैं, शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं हैं, या फिर उपयुक्त उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए सभी समस्याएं आपके किशोरावस्था में आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, प्यास है, निद्रा है, भूख है, या फिर सुरक्षा है, बताइए। आंसर कीजिएगा सभी फ्रेंड्स, मैम पूरी कोशिश करेंगे हम। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, फिर अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर हम भी कोशिश करेंगे, है ना? चलिए हाँ, आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना, मैस्लो का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल। इन्होंने 5 स्टेप बताई है, 5 स्टेप बताई है, कौन कौन सी बताई है? पहला तो शारीरिक, ऊपर से ले लीजिए या नीचे से किसी से, शारीरिक आवश्यकताएं पहले बताई हैं, जैसे कि नोट कर लीजिएगा, मैस्लो का ये सिद्धांत है, मैस्लो का सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत, ठीक है? चलिए पहला स्टेप उन्होंने बताया शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं में क्या क्या आएगा आपका, या इसी को जैविक जैविक आवश्यकताएं भी कहते हैं कभी कभी। हाँ देखिए, पहला क्या हो जाएगा, भूख हो जाएगा, प्यास हो जाएगा, नींद हो जाएगा, इतनी चीज की आपकी शारीरिक रूप से आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, ठीक है? चलिए सेकेंड स्टेप कौन सा होता है, सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। इसमें क्या क्या आवश्यक होता है, इसमें मान लीजिए घर होता है, कपड़ा, घर, है ना, या फिर कोई अन्य रक्षा तंत्र, है ना, ये चीज। दूसरी चीज हुई, अगर हम बात करते हैं तीसरी चीज की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमको समूह की आवश्यकता होती है। हाँ, समूह की आवश्यकता होती है कि हमारा भी परिवार हो। अब जब भाई भूख लग रही है, खाना भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, अब यहाँ पर फ्रेंड सर्कल भी बनाना पड़ता है, कोई हमारा परिवार हो, कोई दोस्त हो, कोई यार हो, समाज की आवश्यकता होने लगती है। ये कौन सा पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, समूह की आवश्यकता तीसरा स्टेप है, चौथे स्टेप में क्या है, सम्मान की आवश्यकता होने लगती है व्यक्ति को। तो नोट कर, पहले तो शारीरिक रूप से हुआ, पहले शारीरिक रूप से हमको क्या चीज लगा कि भाई शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ हमको मिले, भूख प्यास हमारी मिटे। दूसरी चीज, जब शारीरिक रूप से हम मेंटेन हुआ तो हमको सुरक्षा की भावना जागृत होने लगी, तीसरा हमको समूह की भावना होने लगी, चौथा हमारा सम्मान, मतलब साथ साथ से ही सब कुछ आ रहा है, सुरक्षा है, समूह है, सम्मान है। सम्मान में लगता है कि सगे संबंधी, हमारा सगे संबंधी जो हो वो हमारे क्या करे, सम्मान दे हमको, ठीक है? ये सारी चीजें उसमें उत्पन्न होने लगती हैं। फिर जो आपका लास्ट होता है आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि का आवश्यकता। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा ना, इद इगो सुपर इगो, तो इसमें सुपर इगो आ जाता है ना, इसमें नैतिकता आ जाती है कि छोड़ो भाई ये सब मायाचार है ना। इतनी सारी चीजें 5 प्रकार की इन्होंने 5 स्टेप मैथ्रो जी ने बताया है। तो सभी को अगर क्लियर हो गया हो तो हम बिल्कुल नेक्स्ट चल सकते हैं, हाँ ठीक है। और जो ये आपकी आत्मसम्मान की सिद्धि है, इसको उच्च स्तरीय आवश्यकताएं बताया गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, सॉरी मैम लेट हो गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए शेरनी है, शेरनी जब भी आएगी, है ना, तो बिल्कुल लोगों को ऑलरेडी डरा ही देती है। हाँ चलिए भाई ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सुरक्षा हो जाएगा, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, है ना, अर्जित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
बाल विकास की दृष्टि में निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? अब जैसे मैंने आपको जस्ट पहले बताया है ना, मैंने जो आपको जस्ट पहले बताया है, ये जन्मजात प्रेरक और ये आपका अर्जित प्रेरक, अब इतने में ही 5 स्टेप में ही आपको निकाला जाएगा। एक तो जन्मजात माना जाएगा और दूसरा अर्जित माना जाएगा। जन्मजात का मतलब जन्म से आप लोग समझ जाते हो कौन सा जन्मजात है कौन सा आपका अर्जित है। जन्मजात का मतलब है कि जो हर एक व्यक्ति में नेचुरल पाया जाए। भाई भूख लगी है तो हर एक व्यक्ति को लगेगी ना, हमें ना आपको, ऐसा नहीं है कि हमें बस लग रही है आपको बस लगती है, ये नेचुरल है तो ये जन्मजात होगी। और जो भी नेचुरल जो भी चीजें नहीं होगी वो सारी चीजें आपकी अर्जित होंगी, मतलब आप उसे दुनिया से एक्वायर करना चाहते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भाई क्या कह रहा है, बाल विकास की दृष्टि में कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन एवं पोषण, प्रेम एवं देखभाल, वंशानुक्रम एवं शिक्षा, बताइए। क्वेश्चन लंबी रहते हैं तो कैमरे को मैं ऑन नहीं कर पाती हूं। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा? बाल विकास की दृष्टि में कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण होगी? चलिए बताइए। बिल्कुल, कौन सी हो जाएगी आपकी यहां पर? वंशानुक्रम एवं वातावरण हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न वंशानुक्रम में नियमों में एक नियम बेमेल है। निम्न वंशानुक्रम यहां पर दिए हुए वंशानुक्रम के नियम दिए गए हैं नीचे, जिनमें से एक ऐसा नियम है जो कि बेमेल है, मतलब उसका मेल नहीं खाता है बाकी 3 नियम से, एक ऐसा नियम इसमें इंक्लूड है, तो उसे पहचानिए जो कि वंशानुक्रम का नियम नहीं। बताइए, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, निरंतरता का नियम या फिर प्रतिगम का नियम, बताइए। आंसर कीजिए भाई, क्या होगा? कम से कम 50 से 60 तो शेयर कीजिए आप सभी लोग, कम से कम 50 से 60 आज तो शेयर कीजिए, है ना? मेरा भी मनोबल बढ़ाइए और अपना भी स्वयं, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि कंपटीशन क्या है। देखिए एक चीज आपने पढ़ा होगा, विकास में पढ़ा होगा, है ना? विकास में आपने पढ़ा होगा कि निरंतरता का विकास होता है, कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपका कंटिन्यू चलता रहता है, ये आपका विकास का सिद्धांत होता है। लेकिन वंशानुक्रम का नियम नहीं होता है कि आपके कहने का मतलब है, वंशानुक्रम से मतलब तात्पर्य ये है कि जब आपका विकास होता है, जो वंशानुक्रम आपका विकास होता है, इतने इतने प्रकारों से आपका विकास होता है। पहला देख लीजिए आप सभी लोग, समानता का नियम क्या कहता है? समानता का नियम ये कहता है जैसे माता पिता होते हैं, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, ये आपका समानता का नियम कहता है। भिन्नता का नियम क्या कहता है? इसी को भिन्नता को ही कभी कभी विभिन्नता भी कहा जाता है ना, कभी कभी विभिन्नता भी इसको कहा जाता है। ये किस प्रकार का नियम होता है? विभिन्नता का मतलब है कि जो आपके बच्चे होते हैं वो कभी कभी संतान के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, है ना? जो आपके कभी कभी जो संतानें होती हैं वो माता पिता से विपरीत गुण पाए जाते हैं। विपरीत गुण कहने का मतलब ये है कि अगर पिता क्या है, पिता मान लीजिए कि बदमाश है तो बेटा बिल्कुल ईमानदार हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा या चौथा प्रतिगम का नियम, इसी को प्रतिगम को प्रत्यागमन का भी आप लोग कहीं कहीं किताबों में पढ़ा होगा आपने, प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये बिल्कुल विपरीत हो, मतलब कि इसमें थोड़ा भी गुण नहीं पाए जाते हैं, है ना? हाँ, यहां पर जो मैंने आपको भिन्नता बताया है तो ये समान ना होकर के क्या होते हैं? अलग होते हैं, विपरीत इसमें नहीं कहा जा सकता, इसको अलग होते हैं, अलग गुण होते हैं। लेकिन जो प्रत्यागमन कहता है, प्रत्यागमन का ये मतलब ये है कि ये आप बिल्कुल विपरीत, आपने एक पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था किसमें,
गमन का जैसे आगमन होता है, आपने गमन का उल्टा क्या होता है आगमन, है ना। तो अब इसमें क्या होता है गमन, प्रत्यागमन में आप देख रहे हैं गमन जुड़ा हुआ है, तो मतलब गमन यानी जाना, आगमन यानी, है ना, गमन यानी क्या होता है जाना, आगमन यानी आना, तो वैसे ही प्रत्यागमन हो जाएगा, है ना। गुण क्या है बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक दूसरे के वही हो, ठीक है। बाकी निरंतरता का जो नियम है ये आपका सिद्धांत है, ये नियम नहीं है, ये निरंतरता का सिद्धांत है, जो कि विकास में, कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर हुआ सभी को, कोई किसी को डाउट हो, बिल्कुल, तो आप सभी बता सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ चलिए, हाँ ये जो सारे नियम होते हैं बेसिकली ये आपके वैज्ञानिक लोग देते हैं, कौन देता है वैज्ञानिक लोग, शोध करके बताते हैं कि जो आखिर बच्चे का विकास हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है ना, ये वैज्ञानिक लोग शोध करके बताते हैं। समझ नहीं आया ममता, देखिए समानता का नियम ये कहता है कि माता पिता के समान ही बच्चों का गुण होता है, जो जो गुण माता पिता में थे वही गुण बच्चे में आ गए थे, समानता का नियम कहलाता है। भिन्नता का नियम ये कहता है, है ना, कि अगर माता पिता क्या है कम प्रतिभाशाली है तो बच्चे क्या हो जाएंगे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली, जब अगर पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं तो बच्चे ज्यादा पढ़ लिख लेंगे, तो मतलब कम और ज्यादा, ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ आपके भिन्नता में, थोड़ा सा भिन्न होते हैं। जो प्रतिगम होता है ये आखिरी वाला प्रतिगम या इसी को प्रत्यागमन कहते हैं, ये बिल्कुल विपरीत होता है। अगर पेरेंट्स कैसे हैं बहुत ईमानदार हैं तो बच्चा बिल्कुल चोर निकलेगा, है ना, ये बिल्कुल विपरीत होता है। अब चूंकि भिन्नता में आप लोग परेशान हो जाओगे कि ये सेम है तो कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पूरा विपरीत पाया जाता है। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन भाई। आप सभी 40 प्लस हैं, कम से कम आज 60 जाइए, है ना। धीरे धीरे मेरा मनोबल गिरता है कि भाई मेरे फ्रेंड्स क्लास शायद पसंद नहीं आती है इसलिए क्लास को शेयर नहीं हो रहा है, है ना, बिल्कुल। तो क्लास को शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी क्लास देने के लिए डेली मोटिवेट हो पाऊंगी, है ना। चलिए भाई देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, कि दो व्यक्तियों के मध्य मान लीजिए ये राम है तो ये श्याम है, इनके बीच गपशप हो रही है, होने वाली प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है। देखिए दिन भर अगर कोई व्यक्ति गुमसुम रहता है ना तो ऑलरेडी बीमार हो जाता है, इसलिए कहते हैं बातें करते रहने चाहिए पर जरूरत से ज्यादा नहीं, खुश रहना बहुत जरूरी होता है हर एक व्यक्ति में, वो एक प्रकार की दवाई ही है। तो देखिए स्वास्थ्य में सुधार लाती है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है, निर्देशन कहलाती है, अंतरक्रिया, साक्षात्कार या फिर परामर्श कहलाती है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा भाई। हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा अंतर क्रिया, अंतर का मतलब है एक दूसरे से की हुई क्रिया, है ना, अंतर क्रिया इसको कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल, मैम सबसे अलग हूँ सबकी हेल्प करती हूँ, बिल्कुल ममता होना भी चाहिए ऐसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शैशव काल को जन्म से पांच, यहां पर पांच नहीं होगा तीन होगा, हाँ जन्म से तीन की आयु तक किसने माना है, शैशव काल को जन्म से तीन वर्ष की आयु तक किसने माना है, रॉस ने, कॉलसेनिक ने, सिली ने, एर्नेस्ट जॉस ने, बताइए। शैशव काल को जन्म से तीन वर्ष की आयु तक किसने माना है, रॉस ने, कॉलसेनिक ने, सिली ने, एर्नेस्ट जॉस ने, बताएंगे सभी फ्रेंड्स। चलिए इंटरव्यू होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ओके आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन किसको जाएगा भाई। देखिए सबसे पहले जान लीजिए रॉस ने कितने प्रकार की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है, कितने प्रकार का किया है, चार प्रकार का, जैसे मैंने आपको हर लाख का 10 प्रकार बताया है अवस्थाओं को उन्होंने बांटा है, रॉस ने चार प्रकार बांटा है, कौन कौन से बांटा है, पहला शैशवावस्था कब से कब तक इन्होंने बताया है, जन्म से एक से तीन वर्ष, या इसी कह सकते हो या एक से तीन वर्ष, कहीं कहीं जन्म से भी मिल जाता है तो आप एक से तीन वर्ष ही मान लो, ठीक है, जन्म मत लिखो, आप एक से तीन वर्ष ही मान लो शैशवावस्था, ठीक है, एक से तीन वर्ष है। दूसरा जो हो जाएगा आपका पूर्व बाल्यावस्था तीन से छह वर्ष, तीसरा जो है छह से उत्तर बाल्यावस्था,
छह से 12 वर्ष, चौथी एज है आपकी किशोरावस्था, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष। इन्होंने इतनी ही वर्षों का वर्गीकरण किया, इतनी ही अवस्थाओं को बताया, किसने? रॉस ने, चार प्रकार से। हाँ, जन्म से 3 वर्ष, या किसी अलग अलग किताबों में अलग अलग राइटर ने अलग बताया, कोई 1 से 3 वर्ष बताते हैं, कोई जन्म से 3 वर्ष। वैसे आप बेसिकली जन्म से 3 वर्ष ही ले लो, है ना। हाँ देखिए, रॉस ने तो चार, ऐसे ही जोन्स ने भी बताया है ना, जोन्स ने भी बताया है। जोन्स ने कितने प्रकार का बताया है? चलिए, हाँ बिल्कुल, जोन्स ने कितने प्रकार का बताया है? एक सेकंड। इन्होंने भी चार अवस्थाएं बताई, जोन्स ने भी। कौन कौन सी बता मैम? राजगढ़ की शेरनी फालतू का कमेंट कर रही है। अच्छा देखिए, जोन्स भाई एक दूसरे से मिल करके रही है ना। देखिए, शैशवावस्था का एज कब से कब तक है? शैशवा, इन्होंने जन्म से 6 वर्ष माना है, इन्होंने जन्म से 6 वर्ष माना, किसने? जोन्स ने शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष माना है, पहला। दूसरी एज इन्होंने बताई है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को क्या बताया इन्होंने? 6 से 12 वर्ष। तीसरा इन्होंने किशोरावस्था को कब से कब बताया है? 12 से 18 वर्ष। और चौथी इन्होंने प्रौढ़ावस्था भी बताई है। क्वेश्चन बन जाते हैं कौन से, किन्होंने किस प्रकार की एज बताई है। चलिए, इतने वर्ष उन्होंने बताया है। अगले क्वेश्चन की, यहां पर मैंने आपको रॉस, यहां पर राइट ऑप्शन होगा रास होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आप सभी मित्र हैं, मित्रता में इतनी चलती रहती है। देखिए, ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्था बताई है। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्थाएं बताई है? गामक अवस्था, प्रतिमापरक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, ये सभी। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? नहीं, भाई ज्यादा नहीं है, सभी फ्रेंड्स मिलजुल करके क्लास में पढ़िए, और किसी के कारण कोई क्लास को मिस मत करो, ये आपका भविष्य है। आपको जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे, कई प्रकार के मिलेंगे, एक शिक्षक होने के नाते आपको सभी प्रकार के लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। इतने हताश नहीं होते हैं बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, आपको पता नहीं अभी किस किस प्रकार के लोग मिलेंगे जीवन में, तो आप उनसे ये सोचो किस इस प्रकार से सामंजस्य बनाए हम, है ना। भागना थोड़ी है जीवन में, जिस चीज से आप भागते हो ना, हमेशा जीवन में वही चीज ज्यादा पीछा करती है। ये चीज नोट कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। हाँ, भागो मत, एक दूसरे से मिल करके पढ़ो, पढ़ने आप भी आए हो, पढ़ने बाकी फ्रेंड्स भी आए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको ब्रूनर के बारे में बता देती हूँ, ठीक है भाई। हाँ चलिए, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिएगा सभी फ्रेंड, सारी चीजें क्लियर होंगी एक एक करके, ठीक है। हाँ, ब्रूनर कहाँ के हैं सबसे पहले आप सभी बताइए, ब्रूनर कहाँ के हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। 3 प्रकार की इन्होंने अवस्थाएं बताई, पहली कौन सी है? गामक है, इसी किसी किसी किताबों में आपको क्रियात्मक मिल जाएगा, है ना। हाँ, क्रैक भी इसको कहीं कहीं कहते हैं, है ना। हाँ चलिए, कब से कब तक ये अवस्थाएं होती हैं? तो ये जन्म से 18 वर्ष, सॉरी 18 वर्ष नहीं भाई, 18 माह तक, यानी जन्म से 1.5 साल तक, ठीक है। हाँ, यहां पर बच्चा क्या करता है, मान लीजिए चलना, रोना, चिल्लाना, इन सारी एक्टिविटी से वो अपना काम निकालता है। यहाँ पर जो बच्चा काम करता है जन्म से 18 माह तक, वहां पर चलने के मतलब द्वारा, रोने के द्वारा, चिल्लाने के द्वारा, इस प्रकार से ये एक्टिविटी करता है। गामक का मतलब है कि अपनी स्वयं की बॉडी लैंग्वेज से जो एक्टिविटी करता है ना। हाँ, वो हुआ। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरी अवस्था की, प्रतीकात्मक, प्रतिमात्मक, एक सेकंड वेट करें, मैं आ रही हूं, एक सेकंड।
सॉरी, थोड़ा सा सब्जी वाले भैया आ गए थे हमारे, है ना, तो कोविड में चूंकि जाते नहीं लेने आने, तो खुद ही पहुंचा जाते हैं, ठीक है। हाँ देखिए कोई बात नहीं, सो सॉरी, ठीक है भाई, ओके। देखिए हमने दूसरी कौन सी एज बताई है, प्रतिमात्मक, है ना। हाँ इसी को और क्या कहते हैं, आपने प्रतिमा परक देखा भी है ना। हाँ चलिए, आइकॉनिक भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, आइकॉनिक कहते हैं, ठीक है। हाँ पहले को इनएक्टिव कहते हैं, दूसरे को आइकॉनिक कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए प्रतिमात्मक की कौन सी एज होती है, प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब होता है कोई मूर्ति, मूर्ति प्रतिमा का मतलब, जैसे आप दुर्गा जी की मूर्ति, दुर्गा जी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, है ना। हाँ हुआ कुछ भी नहीं था एक्चुअली, इससे टाइम होता है, सब्जी वाले भी आते हैं, वो पहुंचाते हैं दूसरे तीसरे दिन करके, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर प्रतिमात्मक भी हुआ, मूर्ति यहाँ भी हो जाएगा, प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। ये कब से कब तक तो होता है, तो ये डेढ़ डेढ़ से 6 वर्ष तक, है ना। इसमें जो भी काम करेगा बच्चा, वो मूर्ति देख करके ही काम करेगा, ठीक है, कोई आकार, कोई प्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। चलिए तीसरी एज की अगर हम बात करते हैं, सांकेतिक। सांकेतिक इसी को क्या कहते हैं, सांकेतिक को ही प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक संकेत, है ना। यहां पर जो आपके लिखा है प्रतीकात्मक, पहला, दूसरा आपका प्रतीमात्मक, प्रतिमा होती है, तीसरा आपका सांकेतिक, किसी को प्रतीकात्मक कहते हैं। इसकी जो एज होती है वो कौन सी होती है, 6 वर्ष के बाद शुरू होती है, ठीक है। जैसे 1.5 साल से 6 वर्ष, तो ये 6 वर्ष के बाद शुरू होती है, ठीक है। हाँ चलिए, आप सभी ने पढ़ा होगा ब्रूनर जी ने जो थ्योरी दी है, जैसे जीन पियाजे ने दी है, तो पियाजे की थ्योरी को ही इन्होंने आगे बढ़ाई है। उन्होंने 4 प्रकार बताई है और इन्होंने 3 प्रकार बताया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए। हाँ तो हमारा जो भौतिक विकास की निम्न अवस्था, चारों होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन कीजिए, क्या कह रहा है। आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन। ओके चलिए भी, बिल्कुल क्या हो जाएगा यहां पर राइट ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्रोध हो जाएगा, है ना। युष होता है युद्ध करने की इच्छा, ए ऑप्शन बिल्कुल लगातार आ रहे हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना। 14 प्रकार की मूल मूल प्रवृत्ति इन्होंने मैकडूगल जी ने बताई है। पहली कौन सी बताई है, पहली मैं यहां पर लिख देती हूँ मूल प्रवृत्ति, और दूसरा संवेग। संवेग थोड़ा छोटा होता है, मूल जो प्रवृत्ति होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम कोई घर पे रामू है, तो आपका मूल नाम क्या हो जाएगा, रामू का मतलब स्कूल में आपको कोई बड़ा नाम हो जाएगा, है ना, घनश्याम हो सकता है। शॉर्ट में आपको घनु घनु घर में बोल देते हैं ना, बीनू जैसे कुछ किसी का लॉन्ग नाम है 2 से 4 शब्दों का, उसी को शॉर्ट करके घर पे बोल दिए, तो मूल ये शब्द ये होता है, बाकी इसका संवेग होता है। तो देखिए पहला संवेग जो होगा भय, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, इसको पलायन कहते हैं, इसी को भागने की प्रवृत्ति कहते हैं, प्रवृत्ति। अब आप लोग ट्रिक से ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बनते ही 100% बनता है, तो भय जब होता है ना, तो बच्चे अपने आप भागने लगते हैं। तो ये आपका ये भागने की प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई, जब भय आता है, कोई बाघ या शेर सामने आ गया, तो व्यक्ति भागने लगता है। तो पहला क्लियर हुआ सभी को, भय से भागना क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं क्रोध, दूसरा हम संवेग देते हैं क्रोध। क्रोध का क्या होगा, युयुत्सा, युयुत्सा इसी को क्या कहते हैं, युद्ध प्रियता। तो आप सभी को मालूम है क्रोध में व्यक्ति, हर एक व्यक्ति चाहता है कितना ना लड़ू इस व्यक्ति से, कितना युद्ध करूं, है ना। तो चूंकि क्रोध है, तो क्रोध में युद्ध करना लाजमी है, तो यह भी क्लियर हुआ। चलिए तीसरा अगर हम देखते हैं घृणा, अब घृणा का क्या होगा,
घृणा का होगा विकर्षण, इसी को और किस नाम से जानते हैं, दूसरों को नापसंद करना। ठीक है, तो ये होता चूंकि घृणा में लोग दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ चौथा, तो हमारा तीन क्लियर हुआ, भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया। अब चौथा होता है वात्सल्य, वात्सल प्रेम भी होता है। वात्सल का तो बहुत सरल है, संतान, चूंकि वात्सल का मतलब है संतान भी, छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो ऑब्वियसली हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, कितना लगाव करते हैं, है ना, संतान कामना हो जाएगा, संतान कामना हो जाएगा, इसी को शिशु रक्षा भी कहते हैं। अब चूंकि वात्सल्य है, वात्सल प्रेम होता है, चूंकि भगवान राम जब छोटे थे तो उनको वात्सल प्रेम के तहत उनको समझाया गया था बहुत सारी स्टोरी किताबों में। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, संतान कामना हो जाएगा, शिशु रक्षा किसका हो जाएगा, वात्सल का। वात्सल छोटा बच्चा है ना, कहने का मतलब एग्जाम्पल ट्रिक है, तो ये शिशु हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगला देखते हैं, कष्ट। कष्ट का क्या हो जाएगा, संवेदना। अब कष्ट एक प्रकार की क्या है, एक आपकी भावना है, सोचो तो कष्ट है, नहीं सोचो तो सब कुछ खुशी ही खुशी है। तो चूंकि एक संवेदना है, आपके मन की भावना है संवेदना। ठीक है, इसी को दया की प्रवृत्ति भी कहते हैं। अब चूंकि कष्ट कोई दिखाया गया और बहुत ज्यादा कष्ट है घर पे आजकल हमारे, तो क्या हो जाएगा, दया की प्रवृत्ति से उसको कोई देखने लगेगा, हर कोई, है ना। तो ये हुआ। अब फिर आपका क्या हुआ, पहला हमारा हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा, पांचवा, छठवा कौन सा हो जाएगा हमारा, काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति में बेसिकली क्या होता है, कामुकता इसको कहते हैं, मेन इसको क्या कहते हैं, कामुकता। हाँ, इसी को क्या बोलेंगे, मूल जो प्रवृत्ति होती है इसको काम प्रवृत्ति, जो कि सिगमंड फ्रॉयड ने दी है, जिसको लिबिडो भी उन्होंने कहा है, काम प्रवृत्ति, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट आगे का बताती हूँ। मैम का बच्चे की प्रति प्रेम, हाँ बिल्कुल, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सत्यवे से बता रहे हैं, ये छह हमने पूरे कर लिए। ठीक है, हाँ, आश्चर्य फिर हो जाएगा, आश्चर्य का क्या हो जाएगा, जिज्ञासा। अब इसको ट्रिक मार समझ लीजिए, भाई देख करके आश्चर्य रह गए तो हमको भी जिज्ञासा हुई कि भाई देखें कि किस प्रकार का ये है ना। तो जब हमने देखा तो देखते ही देखते आश्चर्य रह गए, अब जब आश्चर्य हुए तो हमें भी और भी देखने की जिज्ञासा बढ़ गई, तो ये हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आत्महीनता, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो यस टाइप कर दीजिएगा, मैं आगे तो बताऊंगी। मूल प्रवृत्ति क्या होगी इसकी, आत्महीनता की, स्वयं को नापसंद करने। अब आत्म का मतलब होता है स्वयं होता है, हीनता का मतलब है गिर गया व्यक्ति। अब जब स्वयं व्यक्ति गिर गया तो स्वयं को हम क्या करेंगे, नापसंद करेंगे, है ना, स्वयं को क्या करेंगे, नापसंद। घृणा में दूसरों को पसंद नापसंद करते हैं और आत्महीनता को स्वयं में नापसंद करते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी आदमी ऐसा काम कर जाता है कि लगता है यार अपना खुद का शक्ल ना देखे, है ना, हो जाता है ना, तो आत्महीनता का मतलब यही हुआ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट हो जाएगा आप, हाँ चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, समझ में ना आ रहा होगा आप सभी को। चलिए एक सेकंड, कोई बोर तो नहीं हो रहा भाई क्लास में, कोई भी बोर बच्चा हो रहा होगा तो हम क्लास को भाई आगे बढ़ा देंगे, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम जबरदस्ती आपको पढ़ाएं, क्योंकि क्लास कैसी होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्वयं के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है भाई, और हमारा हर एक बच्चा काम के प्रति ईमानदार हो, वो भी शेयर करे, है ना, मन लगा करके, हम जबरदस्ती उसमें भी नहीं करवाना चाहते। ठीक है, देखिए फिर क्या हो जाएगा, आत्मा, हाँ आत्मभिमान हो जाएगा, इसी को स्वाभिमान भी कहते हैं, आत्माभिमान। इसको क्या हो जाएगी, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, गौरव, हाँ आत्म प्रदर्शन। अब आप सभी जानते हैं कि जब आत्मअभिमान मतलब स्वयं का, जब व्यक्ति को अभिमान आ जाता है तो ये क्या होता है, गौरव हो जाता है, प्रतिष्ठित, अपने आप को स्वयं लगने लगता है, नहीं भाई हमारा भी कहीं ना कहीं आत्मसम्मान है, आत्म प्रदर्शन। वो व्यक्ति क्या करने लगता है, स्वयं का प्रदर्शन करने लगता है, लोगों से बातचीत करेगा तो भाई देखा नहीं आपने हमने इतना अच्छा नंबर लेके आया है, तो स्वयं का प्रदर्शन करने लगता है जब स्वयं में अभिमान आ जाता है। तो क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट कौन सा होता है, एकाकीपन। एकाकीपन, एकाकीपन भाई कब जीवन में आता है, जब हमको क्या होता है, सामूहिकता का भाव होता है, जब हमको लगता है यार चार आदमी हमारे पास भी, काश हमारा भी कोई फ्रेंड होता, हमारी भी कोई फैमिली होती, तब व्यक्ति को क्या आता है, एकाकीपन। अब एकाकीपन हमारा क्या है, संवेग है, एकाकीपन हमारा संवेग है, लेकिन इसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, कि जब हमको सामूहिकता का भाव होता है कि भाई हमारे पास भी लोग हों, तो यहां पर एकाकीपन व्यक्ति में आने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा होगा, भूख होगा।
भूख में क्या होगा, भूख का तो बेशक भोजन से ही रिलेटिव है, इसको आप भोजन से ही, भूख को भोजन से ही जोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ चलिए, फिर कौन सा हो जाएगा, अधिकार, अधिकार भावना, या इसी को स्वामित्व भी कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा। यहां पर संग्रहण करने की खूब सारा हमारा अधिकार है, ये हमारी जमीन है, ये हमारा जायदाद है, अधिकार करने की प्रवृत्ति होती है यहां पर, ठीक है। हाँ चलिए, फिर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, रचना भूत, रचना भूत को हम क्या कहेंगे, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कहेंगे, रचनात्मकता इसको कहेंगे, मतलब रचना भूत का रचना से ही संबंधित होगा, तो जब रचना आएगा तो रचना ही टिक कर देना आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा आपका आमोद, आमोद संवेग है, इसकी जो मूल प्रवृत्ति आमोद की वो क्या हो जाएगी, हर्ष की प्रवृत्ति, आमोद प्रमोद, है ना, आपने वर्ड सुना होगा। चलिए तो भाई क्लियर हुआ, इतना ही था, 14 ही मूल प्रवृत्ति थी, शायद मैंने बहुत ज्यादा कर दिए हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल, हमारा यहाँ पर क्रोध ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यूषा का, बिल्कुल। 38 बच्चे देख रहे हैं, लाइक केवल 28, ऐसा क्यों, प्लीज लाइक करें, थैंक यू सैमसंग। चलिए भाई, हमको एक कॉल आ गया था, उसी के साथ मेरा स्टडी टाइम खराब हुआ। क्या हुआ भाई ममता, आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है, बताइए, कौन सा डेवलपमेंट से रिलेटेड सही नहीं है, बताइए। पहला है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा है, विकास का जो उद्देश्य होता है वंशानुक्रम क्षमता का विकास करना होता है। फिर आपका तीसरा होता है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। नमस्कार सीता, नमस्कार भाई, सभी को आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्या होगा भाई, सभी फ्रेंड्स शेयर करें, और भाई क्लास को शेयर लाइक सभी करें, जो भी आपसे हो पाता है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। हमारे पास जितना भी भगवान ने हमें दिया है ज्ञान, वो बेशक हम पूरा देने का प्रयास करेंगे, है ना, और जो नहीं भी है उसको हम लाने का प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर भी आए और हम आपको भी दे पाए, है ना, क्योंकि जो जो बांटे थे त्यो बढ़ते जाए, है ना, ये ऐसा है कि कभी जितना ही खर्च करोगे आप उतना बढ़ता जाएगा, घटेगा कभी भी नहीं। कौन सा विकास के संबंध में सही नहीं, विकास प्रतिमानों कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जाती है, सही बात है। आपको अगर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर टीचर पढ़ाते हुए कभी देखे होंगे तो बोलेंगे बेशक यार तुम अच्छे टीचर बन सकते हो, तो ये भी सही बात है। विकास का जो उद्देश्य होता है वंशानुक्रम क्षमता विकास करना भी होता है। विकास के विभिन्न संभावित खतरे नहीं, खतरे होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, विकास के क्षेत्रों में संभावित खतरे होते हैं, बेशक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्या कह रहा, देखिए, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण बाल्यावस्था से बेहतर होता है, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है, बताइए। आप सभी लोग 50 भी नहीं हुए हैं, क्लास में 50 प्लस भी नहीं हुए हैं, है ना। चलिए, मैं तो सिर्फ अपने रिस्क से क्लास ले रही हूं भाई, ठीक है, अब आप लोग मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं क्लास को बंद कर दूं, है ना भाई, चूंकि मैं मेहनत करके कंटेंट बनाती हूँ, उसके बाद जस्ट उसके बाद आपको आती हूँ, आपको लगता है बस यही बस मेहनत होती है, हमारे पर्दे के पीछे जितना मेहनत होती है उतना ही सामने भी होती है ना, तो डबल मेहनत होती है। आपको नहीं मालूम, जिस दिन आप इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तब आपको बेशक मालूम होगा कि मैम क्या कह रही थी, सही कह रही थी, गलत कह रही थी। तो जब तक व्यक्ति उस स्टेज पर नहीं आता तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। देखिए, कौन से दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण जो होता है बाल्यावस्था, दल या गैंग मतलब जब आप समूह में होते हो ना, तो क्या होता है, समाजीकरण बाल्यावस्था से और भी बेहतर हो जाता है। जब आप दो चार फ्रेंड साथ में होते हो ना, तो जो भी आपको चीजें नहीं बनती थी ना, दो चार लाइन आपका फ्रेंड आपसे इंग्लिश बोला ना, तो आपको लगा यार क्या बात है, मेरा दमदार, मेरा लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लड़ाई मोल ले रहा है, नीचे है लड़ाई मोल ले रहा है, लास्ट ऑप्शन है लड़ाई मोल ले रहा है, ठीक है। तो देखिए, हाँ बिल्कुल, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल ले रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी होगा, डी डी डी। वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखता है, ये सही, जिम्मेदारियों को निभाना, अपने समूहों के प्रति वफादार होना, डी ऑप्शन होगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। क्लियर हुआ सभी को, हमको पता है, मैं भी टीचिंग करती हूँ ममता देवी, बिल्कुल, फिर तो आपको बहुत अच्छे से वाकिफ होंगी।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। आप सभी 50 प्लस भी हो जाएंगे तो मुझे उतनी खुशी होगी। 60 तो आप सभी अभी तक किसी भी दिन नहीं गए, आप लोगों ने नहीं किया है ना। चलिए फिर भी माँ अपने बच्चों से बहुत देर तक दुखी नहीं होती है ना, बहुत देर तक गुस्सा रह पाती है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, तो बताइए किन चरणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगत और विनिमय, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो किस प्रकार का एक्टिविटी करते हैं, आंसर कीजिए बताइए। चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा भाई हमारा, सभी फ्रेंड्स बताएं। एक सेकंड इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं, बहुत ज्यादा गोदागादी हो जाता है मुझसे तो, हो ही जाता है भाई बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह। चलिए बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। हाँ मैम संप्रेषण और अभिकथन का अर्थ बता दीजिए। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, संप्रेषण का मतलब होता है प्रेषण, आदान प्रदान करना चीजों को, बातों को, ठीक है। और अभिकथन, कथन का मतलब यही है, बातचीत है ना। बिल्कुल हाँ ठीक है। देखिए चार प्रकार की इन्होंने नैतिकता के स्तर बताए हैं, चार नहीं बताए हैं, तीन प्रकार के बताए हैं, तीन प्रकार के, ठीक है। सभी के हर एक के दो दो बताए हैं। पहला बताया इन्होंने पूर्व परंपरागत, जिसमें पहला होता है यही जो आपका दिया हुआ है आज्ञा पालन है ना, और दूसरा होता है साधनात्मक इंस्ट्रूमेंटल। आप थोड़ा कीवर्ड पकड़िए, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। पहले में तो आप ध्यान रखिए पनिशमेंट से बच्चा डरता है, पनिशमेंट कहीं भी वर्ड मिलेगा टिक कर देना है। दूसरा क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल, इंग्लिश वर्ड याद कीजिए, साइकोलॉजी में इंग्लिश वर्ड आप जितना याद करोगे ना तो कभी भी आपका भूलेगा नहीं, एक चीज नोट कर लेना। पहला पनिशमेंट, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है सामान का आदान प्रदान करना है ना। चलिए बिल्कुल दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक सेकंड ये दूसरा क्या हो जाएगा। चलिए हाँ बिल्कुल दूसरा जब हम बात करते हैं अपने, पहला तो पूर्व था, दूसरा हमारा हो जाएगा परंपरागत। पहला प्री कन्वेंशियल इसको कहते हैं, प्री कन्वेंशियल, अब बीच वाला कन्वेंशियल होगा, इंग्लिश वर्ड पकड़िए आप लोग, भूलेंगे नहीं इतना यकीन कीजिए, कन्वेंशियल होगा बीच वाला। अब कन्वेंशियल में क्या क्या होता है, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड गर्ल। फिर क्या होता है दूसरे में, दूसरे में होते हैं यहां पर सामाजिक आज्ञा पालन, मतलब सोशियल, सोशियल ओरिएंटेड कह सकते हो इसको, ओरिएंटेड है ना। हाँ तो ये पहला हो गया पनिशमेंट के लिए, बच्चा डरता है तब कोई काम करता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल, साधनों का, सामानों का आदान प्रदान के लिए। फिर दूसरी एज में गुड बॉय, गुड बर्ग, गुड बॉय के लिए, सोशल कॉन्टेक्ट में, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। चौथे और लास्ट में होता है सोशल, समाज में, सोशियल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है बच्चा है ना, हाँ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। फिर आपका छठा हो जाएगा आपका यूनिवर्सल है ना, जो भी काम करता है सत्य करता है, फैक्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है, ठीक है। जो समाज के लिए, मैं कहने का मतलब जो सही है ना, जो सही है वही काम करेगा, और चाहे उसके लिए उसको सर ही कटाना क्यों ना पड़ जाए, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की दूसरों में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले मैकडूगल है, किलपैट्रिक है, थर्स्टा है, थॉमसन है, तो बिल्कुल मैकडूगल है, अभी हमने पहले बात की है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आज बच्चे साथ साथ जो कर सकते हैं वो कल अकेले कर सकते हैं। जो बच्चे आज क्या कर रहे हैं, साथ साथ जो कर सकते हैं वो कल अकेले ही कर सकते हैं, ये बात किसने कही है। पियाजे ने, हॉरकनेक्स ने, बाइकोट्सी ने, ब्रूनर ने, बताइए। तीन में सही गलत निर्णय लेना,
बताइए। चलिए, कौन हो जाएंगे 8 बच्चे साथ साथ जो कर सकते हैं वो कल अकेले करेंगे, ये बात बायगोस्की ने कही। डेफिनेशन है, उतनी बच्चों को याद नहीं रहती है, आपका बायगोस्की होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डेफिनेशन उतने आसानी से याद नहीं होती है, मैं किसी दिन बुद्धि की परिभाषा, बहुत क्वेश्चन में पूछी जाती, बुद्धि की परिभाषा पूछी जाती है, अधिगम की परिभाषा पूछी जाती है, मैं किसी दिन आपको लिखा दूंगी यहां पर, ट्रिक से बता दूंगी, तो आप लोग उसको याद कर लेना पूरी तरीके से, भूलेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसी ट्रिक आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए देखिए, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो सीखने के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक रूप से संबंधित है, पहला है संज्ञानवाद, संज्ञानात्मक, व्यवहारवाद, क्षेत्रवाद, गिस्टाल्टवाद। बताइए, आपने कुर्ट लेविन की थ्योरी पढ़ी होगी, क्षेत्रवाद है ना, व्यवहारवाद तो है ही है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है ना, व्यवहार की बात करते हैं, गेस्टाल्टवाद कोहलर और कोफा है, संज्ञानवाद जीन पियाजे है ना, जीन पियाजे है, ब्रूनर भी आपके संज्ञानवादी ही है, ठीक है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। हाँ, तो शिक्षण अधिगम सूचना प्रक्रिया जो सीखने के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक रूप से संबंधित है, तो ये आपका संज्ञानात्मक ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, जो किशोरावस्था होती है वो किशोर शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा है, एची जोन्स ने, विलियम जेम्स ने, गिलफोर्ड ने, एरिक्सन ने, बताइए क्या ऑप्शन होगा। अगर एक दो गलत भी हो जाते हैं तो टेंशन मत लिया करो, है ना, इतना टेंशन नहीं लेते, लाइफ पड़ी है अभी, बहुत सारे प्रैक्टिस करने को आप सभी को मिलेगा, आप तो बस क्लास में जुड़ो और इसके बाद पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, एरिक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, एरिक्सिन होगा, किशोरावस्था शैशवावस्था के एरिक्सिन की मनोसामाजिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, मनोसामाजिक एरिक्सिन का, ठीक है, डी होगा, डी डी डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अब बहुत प्यास लगी मुझे तेज से। देखिए, कौन सी अवस्था में भावनात्मक अस्थिरता और भावावेश अपेक्षा कर अधिक देखा जाता है, आंसर कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ भाई, प्यास बहुत लगी है। चलिए, कौन सी अवस्था में भावनात्मक अस्थिरता व भावावेश अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है, किसमें देखा जाता है, पूर्व किशोरावस्था में देखा जाता है, पूर्व किशोर नहीं मैम, जोन्स और रॉस कथन, प्लीज चेक करना मैम, ओके सीता बिल्कुल चेक करेंगे हम, ठीक है, आप भी एक बार कर लेना, हम भी एक बार कर लेंगे, ठीक है। हाँ ममता, कोई बात नहीं, बहुत कठिन है। चलिए, बहुत अच्छे वो बच्चे होते हैं जो सीखने का बहुत प्रयास करते हैं, ठीक है भाई। हाँ, ऐसा मत सोचिए, किसी से गलती नहीं हो सकती है ना। चलिए बताइए, मुझे रंगोली बनाने का बहुत शौक है, मैं कहीं पर भी पाती हूँ तो रंगोली बनाने लगती हूँ भाई, है ना। चलिए, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए होगा, चलिए भाई, तो आज के तो क्वेश्चन हमारे इतने ही थे, क्लास कैसी लगी, सभी फ्रेंड जितने फ्रेंड्स हमारे जुड़े हुए हैं सभी लाइक करके जाएंगे, और दूसरी चीज, हिंदी व्याकरण की क्लास में रात्रि को 8 बजे समय से सभी को आ जाना है, सभी फ्रेंड्स ग्रुप को लेकर के हिंदी व्याकरण की क्लास में, ठीक है, हाँ, रात्रि को 8 बजे, डेली टाइम टेबल लिख लीजिए, दिन के 11 बजे चाइल्ड डेवलपमेंट रहती है, रात्रि को 8 बजे हिंदी व्याकरण रहती है, रात्रि को 9 बजे हिंदी साहित्य रहती है, सर के द्वारा रहती है, ठीक है भाई, इतना अपना टाइम टेबल है। अब बाकी फ्री आपके प्रीमियर क्लासेस चलती ही रहती है, आप उसको देख सकते हैं, चलिए भाई, क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा।
ठीक है, अपने मैनेजमेंट टीम से हम बात करेंगे, आप सभी की बिल्कुल बात रखी जाएगी। थैंक यू आप सभी का, अपना स्नेह बनाए रखिएगा, अपना साथ भी बनाए रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत सभी को।